हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 10th of April 2024। जिनको लग रहा है कि सर पुराने वीडियो क्यों नहीं बनाए, तो उनके लिए बता दो कि मैंने आज इतने दिनों की मेहनत कंप्लीट करके पुराने वीडियोस बना दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चैनल में ही अपलोड कर दिया है, 6 बजे, अभी शायद 5:30 बज रहे हैं, 6 बजे तक वो अपलोड हो गया होगा, क्योंकि ये वीडियो आपको 7:30 तक मिल रहा है ना। तो शुरू करेंगे आज का न्यूज़पेपर 10 अप्रैल का, एक तरीके से जैसा हम पहले करते थे डेली एनालिसिस, उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ आज के सवाल, 3 सवाल, बड़े ही प्यारे से, बड़े आसान से सवाल हैं। अटेम्प्ट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर एंड। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, द सीपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 इज अ लैंडमार्क इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसीडर्ड अ मेजर कॉज ऑफ रेबेलियन, इनमें से कौन सा मेजर कॉज नहीं माना जाता। ऑप्शंस आर ग्रीज्ड कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी, बी इज डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स पॉलिसी, थर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश मिशनरीज, एंड फोर्थ इज फियर ऑफ इस्लामाइजेशन। तो इनमें से कौन सा मेजर कॉज नहीं था। द करेक्ट आंसर इज, आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, मुझे बताना ज़रूर कितने बने, आंसर इज डी, फियर ऑफ इस्लामाइजेशन, ठीक है ना। तो दैट वॉज नॉट द मेजर कॉज। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन, इनमें से कौन सा स्टेट डेक्कन प्लेट्यू रीजन में नहीं लोकेटेड है। ऑप्शन आर ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। आसान सवाल है अगेन, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। डेक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड नहीं है, उड़ीसा नहीं है, क्योंकि उत्कल प्लेन्स का पार्ट होता है ना, उत्कल प्रदेश बोलते भी, उत्कल प्लेन्स का पार्ट है, ईस्टर्न प्लेन का पार्ट है, उत्कल प्लेन्स का पार्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन। तीसरे सवाल पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ऑप्शंस आर ईस्टर्न घाट, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट या वेस्टर्न घाट। बहुत ही आसान सवाल है अगेन, द आंसर इज डी, वेस्टर्न घाट। एक न्यूज़ ये लाइव मिनट में आई थी अभी, तो मैंने उससे पढ़ा देता हूँ आपको, बाकी फिर हम पेपर खोल लेंगे। 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक था ईस्टर्न इंडोनेशिया में, लोकेशन याद रखिएगा जो आई थी वो इम्पॉर्टेंट है, हालमाहेरा आइलैंड नॉर्थ मालुकू प्रोविंस में है इंडोनेशिया, याद रखिएगा कहाँ पर है, हालमाहेरा आइलैंड है नॉर्थ मालुकू प्रोविंस एंड दैट इज़ अगेन लोकेटेड इन इंडोनेशिया। एंड USGS का नाम इसमें आया है, तो ये बता दूँ आपको, USGS मतलब यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ये साइंटिफिक एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की। ये क्या करता है, इसका मेन फोकस है कि अर्थ के नेचुरल हैजर्ड्स उनको स्टडी करना, उसके अंदर अर्थक्वेक्स और सुनामीज भी आ जाते हैं, तो इसलिए किया। अब इंडोनेशिया आपको पता है कि एक आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो मैंने जब आप कल का एनालिसिस देखेंगे उसमें एक टॉपिक आएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आती हैं, और जैसे ओ टाइप और सी टाइप की बाउंड्री आएगी तो ओ वाली सबडक्ट हो जाएगी, ओशियन हमेशा सबडक्ट होता है, कॉन्टिनेंटल सबडक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ओशन में ओशन सबडक्ट हो जाएगा अगर, तो फिर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे, उन्हीं का कॉम्बिनेशन वॉल्केनिक आर्किपेलागो कहलाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया उसी का हिस्सा है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अगर आपसे पूछता है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री है, याद रखना ये एक कन्वर्जेंट बाउंड्री, इट्स अ कन्वर्जेंट बाउंड्री, है ना। डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जाम्पल क्या है, मोर यानी कि मिड ओशियनिक रिज है, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अब हम न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट पेज की एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 20 नई कंपनीज ने पोल बॉन्ड्स यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। अब आपको बता दूं कि पनिशेबल ऑफेंस क्या है। पनिशेबल ऑफेंस ये है कि जो कंपनीज नई हैं, अगर अपने फॉर्मेशन के 3 साल के अंतर्गत, मान लीजिए उनका फॉर्मेशन को 3 साल भी नहीं हुए हैं, और अगर वो लोग पोल बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, वो पॉलिटिकल डोनेशंस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी 20 कंपनियां निकली हैं जिनका एग्जिस्टेंस 1 साल से कम था, किसी का 2 साल से कम था, ओवरऑल 3 साल से कम होना चाहिए, तो दैट इज अ थिंग। अच्छा, यहां पे देखो लिखा भी हुआ है कि बैन कहां पर है, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ध्यान से इसको पढ़े, तो द कंट्रीब्यूशन विद इन 3 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज रिटेन्ड अंडर सेक्शन 10182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 182 जो है, जब आप देखेंगे
देखेंगे सेक्शन 182, उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 साल के अंतर्गत आपको नहीं करना है डोनेशन, 3 साल के बाद करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक सेक्शन था जिसमें 7.5% प्रॉफिट तक ही कर सकते थे, कंपनी जो थी वो अपने प्रॉफिट का 7.5% हिस्सा ही डोनेशन कर सकते थे। वो कैप ज़रूर हटा दी गई थी, लेकिन वो रिक्वायरमेंट कि 3 साल एटलीस्ट आपको होने चाहिए तभी आपको डोनेशन करना है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाई गई थी, इसलिए ये पनिशेबल ऑफेंस है। और 20 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं दूसरे बड़े व्यक्ति की, जो है पीटर हिग्स। ही प्रपोज्ड द गॉड पार्टिकल, जिसको हम हिग्स बोजॉन बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ द मैटर वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी के बाद, यानी बिग बैंग के बाद मैटर कैसे बनना शुरू हुआ, इसके लिए जो गॉड पार्टिकल है, इनिशियल पार्टिकल है, उसको हिग्स बोजॉन बोलते हैं। पीटर हिग्स ने ये सजेस्ट किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। फिजिसिस्ट हैं ये, एंड इनकी डेथ हो गई है 94 की एज में। थोड़ा सा मैंने इसमें आई थिंक कुछ चीज़ें बताई है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जो पीटर हिग्स थे, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर है, और इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इनिशियल मास एक्वायर किया था पार्टिकल्स ने, एंड हिग्स बोसोन पार्टिकल वाज कंफर्म्ड बाय लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो कि सर्न में लोकेटेड है ना। 2012 में ये चीज कंफर्म की गई थी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के द्वारा, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। हिग्स बोसोन की बात करें तो इट हैज अ मास ऑफ 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके पास जो मास होता है वो 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है, मतलब कि इट इज 130 टाइम्स मोर मैसिव देन अ प्रोटॉन। सर्न के मुताबिक प्रोटॉन से 130 गुना ज्यादा मैसिव है। इट इज चार्जलेस विद जीरो स्पिन, याद रखिएगा हिग्स बोसोन इज चार्जलेस विद जीरो स्पिन। इट्स अ क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू एंगुलर मोमेंटम, याद रखिएगा चार्जलेस है, जीरो स्पिन है। एंड हिग्स बोसोन इज द ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल विद नो स्पिन, कोई स्पिन नहीं होता। इट्स अ फोर्स कैरियर पार्टिकल दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन पार्टिकल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब ये फोर्स में आता है, काम करना शुरू करता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो ये दो न्यूज़ आर्टिकल बड़ी तो हमने फ्रंट पेज की देख ली। अच्छा, एक छोटी सी न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें कुछ समझना नहीं हमको। एक फर्म है जिसका नाम है आई थिंक नेक्स्ट टेक्नोजेन, डेली बेस्ड फर्म है, और ये क्या करती है, आईफोन को क्रैक करती है। मतलब आईफोन को लॉक खोलना बड़ा मुश्किल होता है, ये आईफोन के क्रैक करती है। इसने अपने क्लाइंट के रूप में ईडी को लिस्ट किया, मतलब अब ईडी क्या काम कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डन। तो ये तो अपनी बात हो गई यहाँ पे, जो फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम्स हैं उनकी। पीछे से शुरू करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। लेट्स मूव फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, है ना। यहाँ पे तो क्रिकेट की न्यूज़ है, ये न्यूज है स्विस वुमेन विंस क्लाइमेट केस एट ह्यूमन राइट्स कोर्ट। अब यहाँ पे बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, ECHR, याद रखिएगा ECHR के बारे में ये न्यूज़ है। एंड दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसने कि एक महिला, स्विट्जरलैंड की एक महिला के रिगार्डिंग मतलब जजमेंट दिया है। और ये पहली आई थिंक क्लाइमेट रूलिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रूलिंग विच कैन सेट द स्टेज। और ये ऑल इंडिया रेडियो से भी मैंने पढ़ी थी, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ECHR का लैंडमार्क केस है। देखो ये ऑल इंडिया रेडियो से मैंने उठाई है, मैं आपको नोट्स दोनों के ही बता देता हूँ जो मैंने लिखे हैं, आई हैव रिटन द नोट्स, तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस लैंडमार्क रूलिंग बाय द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो थोड़ा सा मैं आपको यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बता दूं कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि स्ट्रैसबर्ग फ्रांस में एस्टैब्लिश्ड है। कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है ये, स्ट्रैसबर्ग फ्रांस में एस्टैब्लिश्ड है। लेट मी सी द बैटरी, यस बैटरी इज डाउन, तो नाउ इट विल नॉट बी डाउन। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स लोकेटेड है, इंटरनेशनल कोर्ट है, स्ट्रैसबर्ग फ्रांस में लोकेटेड है, एस्टैब्लिश्ड 1959। काम ये क्या देखता है, ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूरोपियन कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट्स। ये तो यूरोपियन कन्वेंशंस जो है ह्यूमन राइट्स के, उसको ओवरसी करता है इन द 46 मेंबर स्टेट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप के 46 मेंबर स्टेट्स में ह्यूमन राइट्स के एस्टैब्लिशमेंट्स को देखता है, ठीक है ना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन को देखता है, ठीक है। अब अभी कोर्ट का जजमेंट जो है, दे आर बाइंडिंग ऑन द कंट्रीज कंसर्न, जो यूरोपियन काउंसिल
काउंसिल ऑफ यूरोप की कंट्रीज हैं 46, उनमें इसके जजमेंट वैलिड भी हुए, ठीक है ना। तो अभी स्विस क्लाइमेट एक्शन क्या उन्होंने मतलब लैंडमार्क जजमेंट क्या दिया है, तो उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड हैज फेल्ड टू एडिक्वेटली एड्रेस द क्लाइमेट चेंज दैट वायलेट्स ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में चूंकि स्विट्जरलैंड सफल नहीं रहा है, देयरफॉर इट इज़ वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स। एंड लगभग 2000 से ज़्यादा स्विस वुमेन इसमें इन्वॉल्व हैं, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इट्स द फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज रूलिंग, याद रखिएगा ये जो डिसीजन, इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम द ECHR हैज इश्यूड अ जजमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है कह सकते हैं आप एक तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लेट्स मूव टू द न्यूज़पेपर वाला पोर्शन, न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं ज़रूरी है जानना। द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सोलर फोटोवोल्टिक सेल, अब यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। लेट्स सी दैट फर्स्ट, तो एक्सप्लेन सेक्शन में आया द हिंदू के। अब यहाँ पे इस आर्टिकल को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर अपने से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया, लिस्ट कौन सी है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स, यानी कि ALMM लिस्ट। अगर आपसे UPSC पूछता है कि ALMM लिस्ट क्या है, तो इट इज़ द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स, ठीक है ना। तो मतलब कि सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स बनाने के लिए जो अप्रूव्ड लिस्ट है मैन्युफैक्चरर्स की, वो है ALMM लिस्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रीइंट्रोड्यूस किया ये ALMM लिस्ट, जो कि प्रमोट करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलार पैनल्स। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलार पैनल्स को करना है, इसी को मीडिया जो टर्म दे रही है वो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन दे रही है, ठीक है ना। तो ALMM जो लिस्ट है वो एक्चुअली स्पेसिफाई करती है उन मैन्युफैक्चरर्स को जिनके सोलर पैनल्स यूज़ किए जा सकते हैं गवर्नमेंट बैक्ड सोलर प्रोजेक्ट्स में। तो गवर्नमेंट के जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जिनके यूज़ किए जाते हैं सोलर प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं सोलर पैनल्स, उनको ALMM लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये लिस्ट 2021 में लाई गई थी, लेकिन दो साल तक इसको रखा रहा, मतलब पावर प्रोड्यूसर्स जो थे, रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स, उनके कुछ कंसर्न्स इस कारण से इसको रिलीज नहीं किया गया था। नाउ द गवर्नमेंट बिलीव दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर कॉम्पिटिटिव इनफ नाउ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और ये सब है, इस कारण से उन्होंने ALMM लिस्ट अब रीइंट्रोड्यूस की है। हालांकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया बहुत ज़्यादा रिलाई करता है इम्पोर्ट पे, मेनली चाइना से इम्पोर्ट करते हैं हम सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स की जो डिमांड है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू रिड्यूस दिस इंडिपेंडेंस, और ये ALMM लिस्ट, PLI स्कीम, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है, ये सब उसी के अंतर्गत की जा रही है, ठीक है ना। चाइना डोमिनेट करता है सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, क्यों, बिकॉज द लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज देयर, एंड गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सपोर्ट करती है चाइना मेड कॉस्ट कम्पिटिटिव लोकेशन ऑन सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग देयर। तो इंडिया भी अब उसी तर्ज पे है, दैट इज़ अ वन एम्बिशियस टारगेट जो इंडिया ने अपने लिए सेट किया है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा, एक न्यूज़ जो कि आज के न्यूज़पेपर में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो है एरोकोथ के बारे में। व्हाट इज़ दिस एरोकोथ? तो एरोकोथ इज अ फैसिनेटिंग आईसी वर्ल्ड इन द क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट यानी कि जो नेपच्यून के बाद वाला जितना भी साम्राज्य है ना, वो क्यूपर बेल्ट के अंतर्गत आता है। इट इज द आउटर जोन ऑफ आर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम तो नेपच्यून पे खत्म, उसके बाद जो आउटर जोन है सोलर सिस्टम की, वो आती है आपकी क्यूपर बेल्ट के अंतर्गत। अब इसमें ये कुछ एरोकोथ जो होते हैं डबल लोब्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, विच रिजेंबल्स स्नोमैन, एंड इट इज़ बिलीव्ड टू कंटेन एंशंट गैशियस आइस विच इज़ ट्रैप्ड फ्रॉम फॉर्मेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये आइसी होते हैं एंड दे आर गैशियस आइस माना जाता है इनको, और ये क्यूपर बेल्ट के बाद पाए जाते हैं, इन द क्यूपर बेल्ट पाए जाते हैं। इट्स अ फैसिनेटिंग आइसी वर्ल्ड, एरोकोथ याद रखिएगा, देखो स्नोमैन जैसा दिख भी रहा है ना। तो न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट था जो कि नासा का, वो जब 2006 में प्लूटो के बाद गया, फिर 2019 तक वो अब चलता गया, उसने एरोकोथ को एक्सप्लोर भी कर दिया, एरोकोथ याद रखिएगा। एंड एरोकोथ इज लोकेटेड इन द क्यूपर बेल्ट एंड ट्रांसलेट्स टू स्काई। एरोकोथ का मतलब होता है स्काई, और ये याद रखिएगा अमेरिकन पोहेटन ट्राइब है
उसकी लैंग्वेज में कहा जाता है। याद रखिएगा पोहेटन ट्राइब है, देखो लिखा भी हुआ है पोहेटन ट्राइब, उसकी भाषा में एरोकोथ का मतलब स्काई होता है। तो आप इसको याद रखिएगा और दैट इज़ वन थिंग विच इज़ देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग है ना दैट, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द, ये इम्पोर्ट हमने देख लिया। एडिटोरियल पार्ट में आज हम जो एडिटोरियल देखेंगे वो तीन एडिटोरियल हैं, अ डिस्टिंक्ट राइट, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट एंड द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। आप देख लीजिए अ डिस्टिंक्ट राइट दिख रहा है आपको, दूसरा एडिटोरियल है ग्रॉस मिसमैनेजमेंट एंड तीसरा है द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट है ना। तो पहला एडिटोरियल है डिस्टिंक्ट राइट जो मैंने आपको बताया था, तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्लाइमेट चेंज इट शुड, मतलब क्लाइमेट चेंज से रक्षा करना इट शुड बी द फंडामेंटल राइट है ना। तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि क्लाइमेट चेंज से आपको बचाना इट शुड बी द फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी राइट टू लिव इन हेल्दी क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको इंक्लूड किया हुआ है एज अ फंडामेंटल राइट। नई रीजनिंग में उन्होंने कहा है कि दे हैव आइडेंटिफाइड द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द राइट टू द होलसम एनवायरनमेंट। अब बता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई क्लाइमेट चेंज से रोकना तो आपका इनसेपरेबल हो गया, वो तो अलग से आपको राइट मिलना ही मिलना चाहिए। एंड क्लाइमेट चेंज पोजेज मल्टी फेसेटेड थ्रेट्स लाइक राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फूड शॉर्टेजेस, हेल्थ क्राइसिस, इन सब से आपको बचाना ज़रूरी है। एंड ये चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट है कि आपको क्लाइमेट चेंज से बचाया जाए, ठीक है ना। सोशल जस्टिस के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्ट द अंडर प्रिविलेज्ड। ऑब्वियसली बात है, जब क्लाइमेट चेंज होता है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो वो ऐसी कम्युनिटीज़ को जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचाती है, ठीक है ना। अभी एक्चुअली केस क्या चल रहा था, मैं आपको बता दूँ, केस चल रहा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का केस चल रहा था। 2021 में ये केस जब गया था कोर्ट के पास तो कोर्ट ने कह दिया था कि वहाँ पर चूँकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत सारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से टकरा करके उनकी डेथ हो रही थी, तो उन्होंने ऑर्डर में कह दिया था कि जितने भी ओवर हेड हैं वो सबको आपको, वो भी लो लेवल पे जितने भी हैं उन लो वोल्टेज लाइंस को, उनको आपको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। बट ये बहुत टेक्निकली इनफीजिबल हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट इनके पास गई, बोला कि भाई सर ऑर्डर आप वापस ले लो। तो अब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाए जो कि इवेल्युएट करेगी अंडरग्राउंड वर्सेज ओवरग्राउंड लाइन एक्सटेंट को। उसके बाद उन्होंने पुराने ऑर्डर को रिकॉल भी कर लिया, मतलब एक तरीके से डिबेट है ये डेवलपमेंट की और एनवायरनमेंट की, जहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक स्पीशीज फंसी हुई है, तो आप देख सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल मैंने आपको कहा था ग्रॉस मिसमैनेजमेंट के ऊपर बताऊंगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया को आप सब जानते हैं फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं, फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, प्लस यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है कि 2025 तक हम इसको एंड भी कर देंगे। लेकिन अभी देखा गया कि जो इंडिया है वहाँ पे टीबी की जो ड्रग्स हैं, टीबी की जो मेडिसिन है, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, स्पेशली जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है उसकी शॉर्टेज है, और पास्ट में भी ये शॉर्टेज हुई थी, जैसे कि डेलामनिड एक दवाई है उसकी शॉर्टेज हो गई थी, है ना। ऑब्वियसली बात है, जब शॉर्टेज होती है तो उससे क्या दिक्कत होती है, उससे हमारा डायग्नोसिस भी डिले होता है, ट्रीटमेंट इनिशिएशन हमारा डिले हो जाता है, और जो सक्सेस है मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट पे वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। डिले का कारण क्या है, या फिर कहना चाहिए दवाई ख़त्म होने का कारण क्या है, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट है, सीरियसनेस की कमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सीरियसनेस की कमी। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं लेकिन जो फंडामेंटल इशूज़ हैं उनको नहीं देखते हैं, ठीक है ना। नाम बदलते रहेंगे, फालतू नाटक करते रहेंगे लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया कि हमको बेसिक टीबी कंट्रोल एलिमेंट्स, मतलब मेक श्योर करने चाहिए कि हमारे पास हों, सिस्टमैटिकली सिस्टेमिक फेलियर से बचना चाहिए, जो कि नेशनल टीबी प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, तो दैट इज़ वॉट हैज़ बीन मैंशन। तीसरे एडिटोरियल पे आते हैं, द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। अब इसमें ऑथर ने कहा है कि जो विमेन्स एंड गर्ल्स हैं दे फेस डिसप्रपोर्शनेट हेल्थ रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट क्राइसिस के कारण क्या क्या होता है, क्लाइमेट क्राइसिस एक चीज़ है, क्लाइमेट क्राइसिस से हुई पॉवर्टी, उससे जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसका डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो वुमेन के ऊपर पड़ता है मैन से ज़्यादा। इसीलिए लिखा है टाइटल का नाम है क्लाइमेट क्राइसिस नॉट जेंडर न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि दोनों को बराबर इम्पैक्ट पड़ता है, महिलाओं को ज़्यादा पड़ता है।
एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू बी फ्री फ्रॉम क्लाइमेट चेंज ना, ये भी हमने देख लिया। अब देखो क्या यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो क्लाइमेट चेंजेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर इज़ वेरी वाइटल फॉर द रूरल वुमेन, स्पेशली रूरल वुमेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ उनकी जो फूड इनसिक्योरिटी है या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो बढ़ने लगती है। इसके अलावा मार्जिनलाइज्ड हाउस होल्ड्स में वुमेन जो हैं दे बियर द हैवियर डोमेस्टिक बर्डन, इसी कारण से उनके जो आउटकम्स हैं हेल्थ आउटकम्स हैं और ज़्यादा बुरे आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हाइटन द रिस्क फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डायरेक्ट कोरिलेशन टू जेंडर बेस्ड वायलेंस। जितना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगा तो फ्रस्ट्रेशन टेंशन में उनके अगेंस्ट जो जेंडर स्पेसिफिक वायलेंस है वो भी बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ वॉट हैज़ बीन मेंशन्ड। हेल्थ इंप्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ऑब्वियसली बात है प्रेगनेंट वुमेन्स हो गई, चिल्ड्रन हो गए, इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के बहुत इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, है ना। स्पेसिफिकली स्किन डिसीजेज, कैंसर या कार्सिनोजेनिक जो वो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे सजेशन ऑथर ने देखा भाई हमको एक जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है, जेंडर इंक्लूसिव, जिसमें हम ये देखें स्पेशली जो वुमेन हैं उनको किस तरीके से एम्पावर किया जा सके, स्पेशली एग्रीकल्चरल रूरल एरियाज की जो महिलाएं हैं उनको कैसे हम एम्पावर कर सकें। तो ये एडिटोरियल्स तीनों हो गए, अरोकोथ भी हो गया है, लैंडमार्क रूलिंग भी हो गई है। दो चीज़ें और देखेंगे जो कि आर्टिकल में तो नहीं आए थे लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है आपका इसरो का जीरो ऑर्बिटल डेबरी माइलस्टोन। इसरो का जीरो ऑर्बिटल डेबरी माइलस्टोन कैसे प्राप्त हुआ, तो पोएम थ्री याद रखिएगा। पोएम थ्री क्या है? पोएम थ्री इज़ नथिंग बट द थर्ड जो हमारा पोएम मॉड्यूल के अंदर जो थर्ड लॉन्च था वो है पोएम थ्री। तो अब इसमें देखो क्या अगर PSLV का C-58 मिशन था जिसका एम एक, जिसमें दो चीज़ें थी, एक तो एक्सपोसैट गया था, दूसरा इसमें पोएम मॉड्यूल भी गया था। पोएम इज़ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। पोएम का फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। एक लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया गया है बाय रीयूजिंग द रॉकेट्स फोर्थ स्टेज। रॉकेट का जो चौथा स्टेज है उसको रीयूज किया जाएगा और पोएम मॉड्यूल के रूप में यूज़ किया जाएगा। जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं या नीचे कुछ करना हो आपको तो वो इस फोर्थ स्टेज में आप करेंगे, ठीक है ना। इसमें याद रखिएगा जो ये पोएम है इसे क्या क्या कैरी करता है, ये आपका कैरी करता है बैटरीज, पैनल्स, नेविगेशन सिस्टम, थ्रस्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। एंड इट वाज द थर्ड मिशन यूजिंग दिस कंसेप्ट, इसीलिए इसको पोएम थ्री बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ था, पोएम लॉन्च हुआ था जनवरी 2024 में। पोएम थ्री डिप्लॉयड एक्सपोसैट एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर 25 डेज यूजिंग 9 पेलोड्स एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मिनिमाइजिंग डेबरी। पहले यही मतलब अब क्या है कि रीयूज होता रहेगा और री एंट्री हो जाएगी, तो रीयूज होगा तो अलग अलग बार आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, प्लस री एंट्री हो जाएगी तो डेबरी वहाँ नहीं फैलेगा। तो ये PSLV का जीरो डेबरी कंसेप्ट है, याद रखिएगा। एंड EVMs की बात करें तो EVMs इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में टू एड्रेस द इशूज ऑफ इनएफिशियंसी एंड रिगिंग इन पेपर बैलेट्स, है ना। उसके बारे में ये मेंशन है आर्टिकल में। सबसे पहले जो ट्रायल्स हुए थे EVM के यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वो 1982 में हुए थे। ये हुए थे पारावूर कॉन्स्टिट्यूएंसी, केरला में है, वहाँ पे हुए थे। इसके बाद लीगल बैटल चले 1980 से 2000 तक EVMs डिज़ाइन को लेकर के, काफ़ी हो हल्ला मचा, बट उसको फिर फाइनली फाइनलाइज किया गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी होगी कि नहीं होगी, मैनिपुलेशन तो नहीं हो जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है EVMs की उसको अपहोल्ड किया, और इसीलिए EVM जो थे पहली बार फुल स्केल में यूज़ हुए थे 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है ना। एंड EVM जो है उसकी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है 2014 में, फिर उसमें VVPAT जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल आता है, इसमें पेपर स्लिप आती है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये भी कहा है कि 100% VVPAT की स्लिप काउंटिंग होनी चाहिए, ताकि जो मशीन बता रही है और जो आपकी काउंटिंग आ रही है वो दोनों सेम आए और उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड डिबेट्स अबाउट टेम्पर प्रूफ नेचर ऑफ EVMs एंड द नीड ऑफ पेपर ट्रेल कंटिन्यू। तो कई लोग कहते हैं कि भाई टेम्पर प्रूफ है जो क्या ज़रूरत है आपको ऐसा करने की, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना।
सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कैंडिडेट्स राइट टू प्रिवेसी। अब इसमें एक अरुणाचल प्रदेश में केस था, एक एमएलए हैं करीखो क्री, इनके ऊपर एक केस कहा गया था कि भाई उन्होंने 3 गाड़ियों के बारे में जानकारी नहीं दी जो उन्होंने हो सकता है बेच दी और उसके बारे में जानकारी नहीं दी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बहुत की रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई कैंडिडेट के पास प्राइवेसी का अधिकार है, जो चीज़ें इररेलीवेंट हैं उसकी कैंडिडेसी से लेकर रिलेटेड नहीं है उन चीज़ों के रिवील होने या ना होने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस नॉन डिस्क्लोजर जो है पर्सनल एसेट्स का, ये करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई। इसके अलावा डिस्क्लोजर उन चीज़ का करना है ताकि वोटर्स पावरफुल बने, उनकी उसकी वैल्यू हो, उसको समझ में आए कि यार क्या क्या काम करता था क्या नहीं काम करता था। लेकिन इस तरीके से आप उसकी बिल्कुल पर्सनल माइन्यूट डिटेल्स को, गाड़ी कभी खरीदी बेच दी उसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द कैंडिडेसी, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये थे आज के एडिटोरियल्स, ये थे आज के न्यूज आइटम्स, आई होप यू लाइक, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।